हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एम एच सी सेकेंड मोलिक्यूल क्लास सेकेंड एम एच सी मोलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करें तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हेट्रोडोमेन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर हैट्रोडोमेन कौन कौन से एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू बीटा वन एंड बीटा टू एल्फ़ा वन और जो बीटा वन है वो है मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन जो अल्फ़ा टू एंड बीटा टू है वो है मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल डोमेन ये मेम्ब्रेन से दूर प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट है यहाँ पर ये अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होता है इन दोनों के अंदर और ये बीटा प्लेटेड सीट से नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है और जो अल्फ़ा टू और बीटा टू है इनके अंदर बीटा प्लेटेड शीट प्रेजेंट है दोनों के पास ही ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है और साइटोप्लाज्मिक टेल है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये इसका स्ट्रक्चर है देन Uh, इनके पास दो नॉन आइडेंटिकल ग्लाइकोप्रोटीन चेन है जो हमने अभी अभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर डायग्राम में देखी हैं वो ही हम लिख के बता रहे हैं कि यहाँ पर दो नॉन आइडेंटिकल ग्लाइकोप्रोटीन चेन है दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हैं जो कि आपस में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ी हुई हैं कौन कौन सी है अल्फ़ा चेन है और बीटा चेन है जो अल्फ़ा चेन है वो थर्टी थ्री किलो डाल्टन की है और जो बीटा चेन है वो ट्वेंटी एट किलो डाल्टन की है अल्फा चेन के अंदर दो सब डोमेन आते हैं एक्सटर्नल डोमेन अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा के अंदर बीटा वन और बीटा टू जो अल्फ़ा टू और बीटा टू है वो मेम्ब्रेन प्रोक्िमल प्रो मैंग प्रोक्सिमल डोमेन है जैसे कि हमने अल्फा थ्री और बीटा टू क्लास वन मोलिक्यूल में डिस्कस किया था अल्फा एंड जो बीटा है उसके अंदर चार रीज़न प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमने जो अल्फा चेन उसमें देखा था एम एच सी वन में कि कौन कौन से चार डोमेन हैं मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन मैमब्रेन प्रोक्सीमल डोमेन ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट एंड साइटोप्लाज्मिक टेल अब हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन क्लास वन एंड क्लास टू मॉलिक्यूल ऑफ एमएचसी बोथ हार मैम्ब्रेन बाउंड ग्लाइको प्रोटीन दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइको प्रोटीनस हैं और आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ है आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड एंड थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ देयर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन विच इज़ डिटरमाइन बाई एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कि दोनों को हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उन्हें हम हटा के प्योरीफाई करके थ्री डी स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोनों का जो फंक्शन है वो हाईली स्पेसलाइज्ड है क्या फंक्शन है दोनों ही एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो दोनों ही एंटीजन प्रजेंटिंग मोलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे बोथ आर एसोसिएटेड विथ बेप्टैट हैव बिन प्रोसीड इन डिफरेंट इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कि दोनों के अंदर ही पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग चलती है सेल के अंदर और फिर उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है पेप्टाइड क्लेफ्ट दोनों में प्रेजेंट होती है लेकिन जो क्लास वन है उसकी सॉकेट की तरह दिखती है और जो क्लास टू है उसकी एक ओपन एंडेड ग्रू की तरह दिखती है गड्ढे की तरह दिखती है जो क्लास थर्ड मोलिक्यूल है ये क्लास थर्ड मोलिक्यूल इंक्लूड करता है उन जीन कोडिंग उन जीन को जो कि काफ़ी अलग अलग तरीके के इम्यून फंक्शन रखने वाले प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं जैसे कि जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था उसके कंपोनेंट हीट शॉक प्रोटीन है कुछ और कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है वो क्लास थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर आएंगे अब एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होती है और एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है एंटीजन प्रोसेसिंग मतलब कि जो बाहर का कोई भी हमारी बॉडी में प्रोटीन आया है उसको टी सेल रिकोगनाइज़ करती है लेकिन कैसे रिकोगनाइज करती है उसके लिए सबसे पहले जो पेप्टाइड है जो मतलब एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है एंटीजन है उसे सेल के अंदर लिया जाएगा या फिर वो ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटा जाएगा कट किया जाएगा फिर उसे एम जो मॉलिक्यूल है वो अपने जो पेप्टाइड क्लेफ्ट था उसके अंदर ला के रिप्रजेंट करेगी और उस रिप्रजेंट में भी एक कंडीशन है कि जैसे हमने एम क्लास वन में देखा था कि सिर्फ आठ से दस अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है पेप्टाइड है वो ही रिप्रजेंट की जा रिकोगनीशन ऑफ फॉरन प्रोटीन एंटीजन बाई ए टी सेल रिक्वायर्ड एट पेप्टाइड डेराइव फ्रॉम द एंटीजन बी डिस्प्लेड विद इन द क्लेफ्ट ऑफ एन एमएससी मोलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ सेल सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एमएससी मोलिक्यूल है उसकी जो पेप्टाइड क्लेफ्ट है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है फोरन मॉलिक्यूल को ताकि टी सेल आके उसे रिकॉग्नाइज करें द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड एट ए प्रोटीन एंटीजन टू बी डिग्रेडेड इन टू बाय बाई ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट कॉल एंटीजन प्रोसेसिंग एंटीजन प्रोसेसिंग के थ्रू पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करके और एम के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीजन प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो डिग्रेडेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो डिग्रेडिड uh, प्रोटीन का जो पेप्टाइड है वो एम से एसोसिएट होगा और उसको बाहर की ओर ले जाके एंड द पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मेम्ब्रेन वेयर दे आर डिस्प्लेड कि सेल के अंदर उसे एसोसिएट किया जाएगा एम मॉलिक्यूल के साथ साथ में फिर जो एम का मोलिक्यूल है वो बाहर की ओर मेम्ब्रेन पे ले जाके उसे डिस्प्ले करेगा ताकि सेल है बाकी जो उन्हें इंटरेक्ट कर सकें देन हम डिफरेंस की बात करें कि एमएससी क्लास वन मोलिक्यूल और एमएससी क्लास टू मोलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है जो एमएससी क्लास वन मोलिक्यूल है बाइंड पेप्टाइड डराइव फ्रॉम एंडोजीनस एंटीजन की जो सेल के अंदर का एंटीजन है उसको प्रोसेस करके और वो प्रेजेंट करती है एमएससी क्लास वन लेकिन एम क्लास टू है वो एक्जोजीनस एंटीजन जो कि सेल के बाहर से इंटरनालाइज किया गया है कि सेल के बाहर में कोई एंटीजन था उसे फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू अंदर ले कर प्रोसेस्ड करके तोड़ के और फिर रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू एंडोसाइटिक पाथवे तो जो एम एस सी क्लास वन है वो वायरल प्रोटीन को ट्यूमर प्रोटीन को बैक्टीरियल प्रोटीन को और जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये फॉलो करती है साइटोसोलिक पाथ को और एम एस सी सेकेंड है वो फॉलो करती है एंडोसाइटिक पाथ को मतलब कि जो एंडोजीनस एंटीजन होगा उसके लिए साइटोसोलिक पाथवे रिप्रेजेंट करेगा और जो एक्जोजीनस एंटीजन होगा उसके लिए एंडोसाइटिक पाथवे रिप्रेजेंट करेगा बाकी इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग